और वहीं सोनभद्र रेलवे स्टेशन पर दो साल बाद राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हुआ। ट्रेन स्टेशन पर जैसे ही पहुंचे स्थानीय लोगों ने काचे पाचे के साथ ट्रेन का स्वागत किया, जिसके बाद सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। इस दौरान भाजपा विधायक भूपेश चौबे भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव का श्रेय पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को जाता है। बीजेपी लंबे समय से इस मांग को पूरा करने में जुटी हुई थी। वहीं सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने कहा कि बीजेपी छूट की पार्टी है, हमेशा सपा के काम को अपना बताती है। उन्होंने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव के लिए सपा ने कई बार रेल मंत्री को पत्र लिखा और सदन में मुद्दा भी उठाया था। दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस इस रूट से चलती थी, जब से चलना प्रारंभ हुआ है तब से इस जनपद वासियों की ये मांग रही है कि यहाँ इसका ठहराव हो, और इस बात को सुनिश्चित किया केंद्र की मोदी सरकार ने, इसलिए इसका पूरा श्रेय रेल मंत्रालय सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जितने हमारे काम है उसको अपना काम अगर बता रहे हैं तो गलत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का जो काम था, भाजपा अपना काम बताती है, तमाम कार्यों का उद्घाटन करके बताती है कि हमारा ये उपलब्धता है, लेकिन ये गलत है। जो करता है उसका नाम जनता जानती है, हम किए हैं और पत्रक भी दिया हूं, सदन में बोला हूं, तमाम साक्ष्य है कि यह ट्रेन रुकवाने का मैंने काम किया है।